हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको कोटक बैंक का QR जानना है जिससे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी एक नया अपडेट में कोटक बैंक ने भी अपना QR जनरेट स्टार्ट कर दिया है जिससे आप अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हो थ्रू QR। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप चलते हैं अपने कोटक बैंक पे। आपको आ जाना है, अगर आप यूज़ करते हो कोटक बैंक, आप यूजर हो तो आप इसको यूज़ कर सकोगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वन स्टेप बाय स्टेप, पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जरा बड़ी वीडियो नहीं, एक दो मिनट की वीडियो होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह का आपको दोस्तों ऐप में आ चुके हैं हम। यहाँ पर आपको देखिए एक स्कैनर में QR दिख रहा होगा, क्योंकि एक्सेस वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, थोड़ा इसको नहीं चलना होगा आपको। वहाँ आपको पे एंड ट्रांसफर में आपको स्कैनर में QR होगा, वहाँ पर आपको चल देना है, क्लिक कर देना है दोस्तों। इस तरह का आपको स्कैन करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा, हाँ सर देखिए स्कैन भी कर सकते हैं अपना, जिससे आप QR पेमेंट आपको करनी है तो। वहाँ दोस्तों इस अपडेट के लिए आपको पहले इस फीचर के लिए पहले आपको इस ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। गूगल प्ले में जाके इसको ऐप को अपडेट जरूर कर ले 811 को। तो दोस्तों जैसे इस तरह का आपको इंटरव्यू मिलेगा, वहाँ देखिए ऊपर में आपको एक QR देखने को मिल रहा होगा यहाँ कोने पे, यहाँ देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आपको आपको अपना QR देखने को मिल जाता होगा, आपका नाम, आपकी UPI ID, UPI नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना QR कर सकते हो। देखिए वहाँ मेरा नाम भी आ चुका है। और दोस्तों हाँ देखिए, यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और किसी को शेयर करना है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, जीमेल पे, किसी पे आपको करना है कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसा लगा दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर, वीडियो को इतना शेयर करो दोस्तों को अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।